गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक और लेटेस्ट आरसी स्टंट कार्स दिखाने वाला हूँ। इस तरह की कार्स आपने शायद ही कभी देखी होगी। यहाँ पर देखो गाइस, ये है लेजर स्टंट कार। ये कार का सेंटर का व्हील अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकता है। इसको चाहे तो हम लोग सामने भी लगा सकते हैं या फिर एक बटन दबाने से ये वापस से बीच में भी फिट हो जाता है। एक और कार भी है मेरे पास, ये है आरसी मॉन्स्टर स्टंट कार। इसके व्हील्स पॉन्च के बनाए गए हैं, बहुत ही फ्लफी से व्हील्स इसके अंदर मिल जाते हैं। और भी स्टंट कार्स है मेरे पास, जैसे कि ये क्रेजी स्टंट कार है। बहुत अलग अलग तरीके के क्रेजी स्टंट्स ये करके दिखा सकती है। एक और कमाल की चीज है मेरे पास, ये है DIY स्पेशल 100 पोज आरसी कार। चलो गाइस, फटाफट से पहले करते हैं इन सभी को अनबॉक्स, देखते हैं आज की वीडियो में कौन सी स्टंट कार जीतती है। लेट्स स्टार्ट। इसके फीचर्स देखो, यहाँ पर दिए हुए हैं मल्टी स्टंट है, 360 डिग्री रोटेशन है, सॉफ्ट टायर्स मिल जाते हैं। इस तरह के सॉफ्ट टायर्स तो मैंने आज तक कोई भी कार के अंदर नहीं देखे। इस कार को मैंने बहुत ही कम प्राइस में खरीदा है। अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर आप लोगों को एक व्यू प्रोडक्ट बोल के दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है। वहां पर इसके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहते हो कमाल की दिखने वाली मॉन्स्टर स्टंट कार को खरीद सकते हो। सबसे पहले ये कार ही खा देता हूँ। इसके अंदर सबसे यूनिक चीज है इसके व्हील्स। देखो गाइस, यहाँ पे कंप्लीटली स्पॉन्ज यूज किया गया यार। इसको मैं इस तरह से पूरा का पूरा छोटा भी कर सकता हूँ, इस वजह से इसका वेट भी बहुत कम हो जाता है। इसकी ये जो बॉडी है सामने, इसको थोड़ा सा इन लोगों ने लीन करके रखा हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर रिम भी लगाया गया है और ये रिम कंप्लीटली प्लास्टिक का बनाया गया है। यहाँ पर इस तरह का बंपर भी दिया गया है। ओहो, हेडलाइट भी यूज की गई है इसके अंदर। यहाँ पे देखो, दो छोटे छोटे से LED लाइट्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है। इसके अंदर सिंगल लिथियम आयन बैटरी भी आ जाती है। उसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है रिमोट, बहुत ही सिंपल सा रिमोट दिया गया है, 2.4 GHz का रिमोट है। इसकी बैटरी भी दिखा देता हूँ, बहुत छोटी सी बैटरी दी गई है ताकि ये कार का वेट ज्यादा ना बढ़ सके। 3.7 वोल्ट 500 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर भी है। अभी ये लेजर आरसी कार को अनबॉक्स करते हैं। ये कार दो कलर से मिलती है, रेड ब्लैक ग्रीन ब्लैक। मेरे पास है रेड ब्लैक वाली कार, कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। व्हील्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल व्हील्स भी लगाए गए हैं। ये कार कंप्लीटली 6x6 है। ऊपर की तरफ से इसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे को लग रही है। ऊपर एक स्पॉइलर भी दिया गया है, सामने एक छोटा सा व्हील भी मिल जाता है। नीचे की तरफ है बैटरी कंपार्टमेंट, इसके अंदर भी सिंगल लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है। इसका रिमोट बहुत अलग लगा मेरे को। यहाँ पर दो जॉयस्टिक्स है और कार के व्हील्स को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पर बटन भी मिल जाते हैं और ये शायद डेमो का बटन होगा। अभी फटाफट से मैं अनबॉक्स करूंगा डबल साइड रोल आरसी कार को। इसका नाम है क्रेजी स्टंट कार। चलो फटाफट से इसको भी मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। गाइस, मैं आज आपको जितनी भी आरसी कार दिखा रहा हूँ ये सभी की सभी आरसी कार 2000 रुपीस के अंदर ही मिल जाएगी। खरीदना है तो लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने अमेज़न का। इसका रिमोट बहुत अलग बनाया गया है, एकदम ग्रीन एंड रेड कलर के बटन्स इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ पर है हमारी क्रेजी स्टंट कार। इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से मैं। कितनी ज्यादा अलग नजर आ रही है और इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है यार। व्हील्स बहुत अलग है इस कार के भी। ऊपर की तरफ रबर यूज किया गया है और यहाँ पर देखो यार, इस तरह का डिजाइन बनाया गया है। और ये दो तरफ से चल सकती है, आप इसको इस तरफ से भी चला सकते हो, इस तरफ से भी चला सकते हो। इसके साथ थोड़ी सी बड़ी साइज की बैटरी मिली है क्योंकि ये कार बहुत स्ट्रांग है और इसके अंदर पावर भी ज्यादा है मेरे को ऐसा लग रहा है। इसके अंदर डबल सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है और ये है इसका चार्जर। अभी सबसे लास्ट DIY ड्रिफ्ट डिफॉर्मेशन आरसी कार को मैं अनबॉक्स करूंगा। इस कार को आप 100 अलग अलग डिजाइन बनाकर यूज कर सकते हो, 100 अलग अलग कार्स की तरह यूज कर सकते हो। चलो फटाफट से इसको भी मैं यहाँ से अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। गाइस, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। ये कार का जो शेप है थोड़ा बहुत एक ड्रैगन की तरह बनाया गया है। यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ। अभी देखो गाइस, इसका शेप कितना ज्यादा अलग है। अगर मैं चाहूँ तो इसका शेप इस तरह से चेंज करके कंप्लीटली ये कार अलग तरीके की भी मैं बना सकता हूँ। व्हील्स की बात करूं तो व्हील्स एक नंबर के इसके अंदर लगाए गए हैं, कंप्लीटली मैग्नम यूनिवर्सल व्हील्स है। यहाँ पर बहुत सारे बटन्स भी दिए गए हैं। 2.4 GHz का रिमोट है। पीछे की तरफ दो AA बैटरी डालनी पड़ती है रिमोट को ऑन करने के लिए। कार के अंदर भी डबल सेल लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है। सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। इन सभी में से ये कार इन सबसे ज्यादा हाइट में भी हो जाती है, इन सबसे ज्यादा ये लंबी भी हो जाती है। चलो दोस्तों, अभी फटाफट से चलते हैं बाहर, इन सबको टेस्ट करते हैं, देखते हैं आज कौन सी कार जीती है, कौन बहुत अलग अलग तरीके के स्टंट करके दिखा सकता है। लेट्स गो एंड फाइट।
सबसे पहले लेजर आरसी स्टंट कार को टेस्ट करके देख लेते हैं। कार सच में बहुत ज्यादा क्विक रिस्पॉन्सिव है, इसकी स्पीड भी अच्छी खासी मेरे को लग रही है। ये बटन दबाने पर इसका सेंटर का व्हील हम लोग कोई भी पोजीशन में एडजस्ट कर सकते हैं, इस वजह से कार का शेप कंप्लीटली चेंज भी हो जाता है। अभी मैं इसको अटैकिंग मोड में लेके आता हूँ। अगर मान लो जिसके सामने कोई भी कार आती है तो वो कार को ये उठा के पटक भी सकती है। सामने की तरफ से इसको चार व्हील्स का पावर भी मिल जाता है और ये इस तरह से अलग अलग तरीके के स्टंट कर सकती है और इसको हम लोग दोनों साइड से भी चला सकते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से चल भी जाती है, पलट भी जाती है। तो हम लोग इसको एक बटन दबाकर सीधा भी कर सकते हैं और इसको 360 डिग्री घुमा सकते हैं। 360 डिग्री ये बहुत स्पीड से घूमने लगती है। और ये कार के अंदर खास बात ये है कि इसका रिमोट सुपर रेस्पॉन्सिव है। अभी टेस्ट करते हैं आरसी क्रेजी स्टंट कार को। कार सच में बहुत अलग लग रही है यार। सच में गाइस इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत क्रेजी स्टंट करके दिखा सकती है। ये स्टंट तो सिर्फ मेरे को लगता है यही कार कर सकती है। 360 डिग्री बहुत स्पीड से घूम रही है। इसको चलाने का मजा ही कुछ अलग है पर इसको कंट्रोल करना भी उतना ही हार्ड मेरे को लग रहा है। अभी टेस्ट करते हैं मॉन्स्टर आरसी स्टंट कार को। ये कार 360 डिग्री घूम रही है यार, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। और ये इस तरह के स्टंट वगैरह भी करके दिखा सकती है क्योंकि कार का वेट बहुत ज्यादा हल्का है, इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और ये कार भी क्विक रेस्पॉन्सिव है। अभी टेस्ट करते हैं DIY स्पेशल आरसी कार को। ये कार का शेप मैंने अभी चेंज कर दिया। इसी तरह से आप अलग अलग 100 शेप्स इस कार के अंदर चेंज करके इसको टेस्ट कर सकते हो। कार बहुत अच्छी है नो डाउट, पर इसको कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा हार्ड है। वापस से इस कार का मैंने शेप चेंज कर दिया है। रिमोट के अंदर ये बटन दबाने पर कार बिल्कुल एक स्नेक की तरह चलने लगती है जिगजैग मोड में। पहले मैं इन दोनों के बीच में रेस लगाऊंगा, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है इस रेस को। दोनों बिल्कुल आजू बाजू में चल रहे हैं अभी दोनों के अंदर। मैंने जैसे ही फुल स्पीड बढ़ाई है मॉन्स्टर कार बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। यहाँ पे शेप भी चेंज कर दी मैंने, पर मॉन्स्टर कार बहुत ज्यादा फास्ट है यार। इसकी टॉप स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर तक जा रही है बहुत इजीली। अभी देखते हैं ये मॉन्स्टर आरसी कार या DIY स्पेशल आरसी कार को भी रेस में हरा पाती है। यानी यहाँ पे रेस स्टार्ट हो चुकी है। DIY आरसी कार इससे भी ज्यादा स्पीड चल सकती है पर इसको कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। ये कार भी हार चुकी है मॉन्स्टर आरसी कार से रेस में। अभी ये दोनों कार्स के बीच में रेस लगाएंगे, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। क्रेजी आरसी स्टंट कार बहुत ज्यादा फास्ट है यार, देखो देखते ही देखते कितनी आगे निकल चुकी थी, पर ये कार को कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। सच में गाइस ये कार की स्पीड बहुत ज्यादा है यार, पर कंट्रोलिंग खराब होने के कारण ये कार भी हार चुकी है मॉन्स्टर आरसी कार से रेस में। अभी ये दोनों आरसी कार्स के बीच में कराएंगे पुशबैक। यहाँ पे लेजर स्टंट कार को मैं लेके आ चुका हूँ अटैकिंग मोड में, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। टक्कर तो क्या ही जोरदार मारी है यार, पर इसके व्हील्स बहुत ज्यादा बाउंसी होने के कारण ये उसके ऊपर से जंप मार के निकल चुकी है। दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है। अभी दोनों के बीच में थगो फोर भी करा के देखते हैं, अभी पता चलेगा दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। लेजर आरसी कार के व्हील्स की पोजीशन मैंने वापस से चेंज कर दी है, मॉन्स्टर आरसी कार को पीछे ढकेलना चालू कर दिया। मॉन्स्टर आरसी कार हार चुकी है थगो फोर में। इन दोनों के बीच में पुश बैक कराते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। दोनों ही यहाँ पे भिड़ चुके हैं और दोनों के व्हील्स एक के अंदर एक फंस चुके हैं। दोनों गोल गोल घूमे जा रहे हैं गाइस, दोनों के अंदर पावर उतनी ही मेरे को लग रही है। पर अचानक से देखो DIY आरसी कार ने पीछे ढकेलना चालू कर दिया है लेजर स्टंट आरसी कार को और ये जीत चुकी है। अभी इन दोनों के बीच में थगो फोर भी करा के देखते हैं, यहाँ पे पता चलेगा DIY स्टंट कार कितनी ज्यादा पावरफुल है। देखो ये थोड़ा सा भी चांस नहीं दे रही है क्रेजी स्टंट कार को खींचने के लिए। बहुत आसानी से इसने हरा के रख दिया है थगो फोर में क्रेजी आरसी स्टंट कार को। अभी इन कार्स को मैं ऑफ रोड में भी टेस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले लेजर आरसी स्टंट कार को टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये फंस चुकी है, पर देखो गाइस जैसे ही मैंने रिमोट के अंदर बटन दबाया इसने अपना शेप चेंज किया और इसका सेंटर का व्हील वापस से दूसरी पोजीशन में आ चुका है। ये इस तरह से मेंढक की तरह जंप मार के भी चल सकती है। ये कार कहीं पे भी नहीं फंसेगी गाइस, ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी टेस्ट करते हैं मॉन्स्टर आरसी स्टंट कार को। ये कार के व्हील्स इतने ज्यादा बाउंसी है और इतने ज्यादा हल्के है कि ये कहीं पे भी चढ़ाई कर सकते। देखो गाइस इतने बड़े बड़े पत्थरों पे से भी ये बहुत इजीली निकल रही है और यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है, ये गड्ढे में से भी ये बहुत इजीली निकल चुकी है। गाइस सच में ये कार बहुत ज्यादा कमाल की बनाई गई है। अभी ये क्रेजी स्टंट कार को भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये कार की ग्राउंड क्लियरेंस कम है, इस वजह से इसको आउटडोर में या फिर पत्थरों पे चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी ये स्पेशल DIY आरसी कार को भी टेस्ट करके देख लेते हैं ऑफ रोड में किस तरह से चल पाती है। जैसे कि इसका शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं हर एक टेरेन के हिसाब से, इस वजह से ये कार भी ऑफ रोड में बहुत बढ़िया तरीके से चल जाती है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन चारों आरसी कार्स में से कौन सी आरसी कार पसंद आई। चलो भी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम है कुलदीप, वंश, मुजम्मिल, राजेश, राज शर्मा, कौशिक, कमल, अनिल, शिवम, रेहान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।